मेरी संस्था का नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काम करती है, और लखनऊ से ही मतलब इसका जो ऑफिस है लखनऊ में है। और ये जो काम करती है, इनके तीन मुद्दों पे काम करती है, क्योंकि तीन मुद्दा होता है तो वो सब में जुड़ जाता है, उनके सम्मान पे, उनकी सुरक्षा पे और उनके इतिहास पे। ये संस्था हमने 2011 में शुरू की, और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि कोई रेड ब्रिगेड की संस्था बनेगी और हम लोग कोई काम करेंगे। लेकिन 2006 में मेरे साथ बलात्कार का प्रयास हुआ, और जिस कारण मैं करीबन 1.5 साल ट्रॉमा में रही। और जब मैं ठीक हुई तो ये महसूस हुआ कि अगर हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं शिक्षा पे काम करती थी। तो इस पे काम करना, सुरक्षा पे काम करना शुरू किया, उतना समय मतलब उस समय उतना समझ कह सकते हैं कि नहीं थी। तो जैसे प्रोटेस्ट करना, रैली निकालना, नुक्कड़ नाटक करना, लोगों से जाके बातचीत करना, किसी लड़की के साथ कोई घटना हो गई है, तो उस समय रेड ब्रिगेड का कोई नाम नहीं था। ऐसे ही हम लोग जा कर के अवेयर का काम करते थे, तो हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करते थे उस समय। तो हमारी ग्रुप की लड़कियों ने बोला कि हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है, जब हम नाटक करते हैं तो अलग अलग कपड़ों में होते हैं, तो उसका जो फ़र्क एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। तो हमने कुछ लोगों से डोनेशन मांगा और बोला कि हमको एक कपड़ा ख़रीदना है, तो कपड़े के लिए कुछ व्यवस्था हुई। तो फिर ये हुआ कि कौन सा कलर, फिर चर्चा हुई तो लाल और काला निकल के आया। और फिर ये चर्चा हुई लाल और काला क्यों, तो ये उन्होंने बोला, ग्रुप की लड़कियों ने और हम लोगों ने तय किया कि लाल मीन्स होता है संघर्ष और कहीं ना कहीं खतरा, और ब्लैक ब्लैक मीन्स होता है प्रोटेस्ट, विरोध, कि हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करना भी हमें आना चाहिए। तो हम लोगों ने लाल कुर्ता, काली सलवार और काला दुपट्टा लिया, और उसको पहन के हम लोग फिर अपना काम करना शुरू किए। उस पे भी लड़कों को संतुष्टि नहीं, कमेंट शुरू हो गए, तितलियाँ जा रही हैं, तो किसी ने कहा लाल परियाँ जा रही हैं, तो किसी ग्रुप ने कहा उड़ाका दल जा रहा है, तो हम लोगों को बुरा लगता था। फिर उसमें से एक ग्रुप ने कहा कि क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। ये नाम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लड़कियों ने कहा ये हम लोगों पर सूट भी कर रहा है और हमारा कोई नाम भी नहीं है। तो ऐसे हमारा नाम पड़ा और ऐसे शुरुआत हुई रेड ब्रिगेड की। ये देश का और समाज का दुर्भाग्य है, क्योंकि समाज हमारा इतना निष्क्रिय होता जा रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सरकार उसको लेकर के खेल रही है। सरकार कभी शिक्षा के नाम पर हमारे साथ खेल जाती है, तो कभी सुरक्षा के नाम पर। और जो सरकार में जो चिन्हित होते हैं, जो अच्छे अच्छे पद पे होते हैं, तो उनकी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये राजनीति है, ये जो सरकार है, जो सरकार आ रही है, ये कहीं ना कहीं महिला मुद्दा तो उठाती है लेकिन उसको उसको अंदर तक ले नहीं जा पाती है, और उस पे काम नहीं कर पाती है, वो सिर्फ खेलती है। हम लड़कियों को, जो टीनेज गर्ल्स हैं या फिर 13 साल की ऊपर जितनी भी महिलाएं लड़कियां हैं, उनको आत्मरक्षा आना ही चाहिए। तो वो हम लोग अलग अलग कैंपेन करते हैं, जैसे कि 2017 में हमने लखनऊ में 100 दिन 100 स्कूल की शुरुआत की, जो 100 दिन में हम 100 स्कूलों में जाकर के उनकी सुरक्षा को लेकर के बातचीत की, उनको ट्रेनिंग दी, जिसमें हमने 23,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी। उसके साथ साथ एक सेल्फ डिफेंस पे काम हुआ, और अभी तक 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दिया। इसके साथ साथ हम लोग लड़कियों के साथ या फिर महिलाओं के साथ जो भी घटना होती, जैसे किसी के साथ इव टीजिंग हो गई, या किसी के साथ बलात्कार हो गया, या गैंग रेप हो गया, या मतलब उत्पीड़न का घटना हो गई, तो उसको भी हम लोग लीगल सपोर्ट देते हैं। इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता होती है कि वो बच्ची या फिर वो महिला अगर ट्रॉमा में है तो उसको हम ट्रॉमा से कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो शिक्षा लेना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, या कहीं काम करना चाहती हैं, तो उसमें हमारी संस्था उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। मेरा नाम मानसी है, मैं लगभग 7 साल से रेड ब्रिगेड से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड का केस लेके आई थी। उसका जो उसको बॉयफ्रेंड था उसको ब्लैकमेल कर रहा था, तो उस मतलब दीदी का मैंने सर्च किया नेट पे कि ऐसी कोई संस्था है जो लड़कियों की हेल्प करती है। तो जब सर्च किया तो रेड ब्रिगेड नाम की एक संस्था का नाम निकल के आया, और उसके बाद फिर दीदी के पास हम लोग उसको लेके आए, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई। उसके बाद से मैं दीदी के साथ जुड़ गई वहीं से। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस सीखना, जो कॉमन चीज़ है। लड़की 2 मिनट के लिए बाहर खड़ी नहीं हो सकती है, वो जा नहीं सकती, तो इसलिए आज के समाज में बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार औरतों के साथ है या महिलाओं के सुरक्षा के साथ है? मुझे तो अभी तक कोई सरकार नहीं दिखी महिलाओं के साथ। मुझे जब जब से याद है कि पॉलिटिक्स मैंने सभी की देखी, वो चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, सभी की पॉलिटिक्स मैंने देखी है।
लेकिन अगर हम जिसे आपने पहला सवाल किया कि जब राजनीति होती है तो हम आ जाते हैं केंद्र में, नहीं तो महिला तो केंद्र में ही नहीं है कहीं, वो बिंदु पे ही नहीं है कहीं। जो भी वो महिला भी अगर उस जगह है तो वो पुरुष की ही तरह सोच रही है, वो औरत की तरह सोच ही नहीं रही है। तो वो राजनीति किसी की भी आए, लेकिन महिला सुरक्षा के पर बात होती है, काम नहीं होता है। पहले भी हम अकेले थाने नहीं जा सकते थे, आज भी हम थाने नहीं जा सकते हैं, तो घेरे में तो सभी हैं, तो हम किसकी बात अच्छी कह दें किसकी बुरी।